एब्सोल्युटली यार, क्योंकि ध्रुव और थपकी का संगीत हो रहा है और एंगेजमेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली पूरा परिवार बहुत खुश है. और इसमें एक बहुत ही क्यूट सा सीन भी है जो ध्रुव और थपकी का है, क्योंकि ध्रुव चाहता है कि थपकी उसे आई लव यू बोले, तो उसका दुपट्टा खींच के उसको रोक लेता है, जिसके लिए और ऑब्वियसली थपकी बहुत शर्मा जाती है, तो वो आई 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 पे रुक जाती है और आई आई करते कहती है पीछे वसुंधरा खड़ी, और बेचारा ध्रुव हमेशा की तरह रह जाता है, क्योंकि ध्रुव ने तो अपना प्यार बता दिया थपकी को. एंड ऑफकोर्स अदिति जो कि थपकी की बहन है, और बिहान जो कि मेरा भाई है, वो दोनों एक अब कॉम्पिटिशन करेंगे, फिर पता चलेगा कि कौन जीतता है, और लड़के वाले या लड़की वाले. सो बहुत सारा मस्ती हो रही है, बहुत सारा डांस और बहुत सारा रोमांस है. आज हमने देखा कि जब भी थपकी बोलने की कोशिश कर रही है तो हर बार उन्हें रोक दिया जा रहा है. ध्रुव को समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? नॉट रियली, बिकॉज ध्रुव तो यार सिर्फ थपकी से ऐसे मतलब अंधा होकर प्यार करता है कि उससे कुछ और दिखता नहीं है थपकी के अलावा. जब थपकी होती है वहाँ पे, तो उससे डेफिनेटली इसका कोई अंदाजा नहीं है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है वहाँ पर. कोई या तो जानबूझ के कोई कर रहा है या कुछ भी, तो ही डज नो अबाउट इट. हालांकि थपकी के साथ तो काफी मजाक मस्ती चल रही है, ध्रुव को भी क्या परेशान किया जा रहा है? ध्रुव को हमने देखा अभी तक तो कोई परेशान करता दिख नहीं रहा. नहीं नहीं यार, वो एक्चुअली वो अब आपने मास्टर जो देखा था पीछे से था, अब आगे से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो भाई है वो बहुत परेशान कर रहे हैं ध्रुव को. बट ध्रुव एज अ कैरेक्टर ही बहुत कम बोलता है और ज़्यादा हंसता खेलता नहीं है. अभी शुरू किया उसने हंसना बिकॉज ऑफ थपकी, इसलिए ज़्यादा लोग उसे छेड़ते नहीं है. बट ऑफकोर्स बहुत उसकी जो बहन है छोटी, विच इज़ किरण, वो उसको बहुत परेशान करती है. इनफैक्ट वो सुन लेती है ध्रुव और थपकी को बात करते हुए, जहाँ ध्रुव थपकी को कह रहा है कि मुझे अपने यू नो से आई लव यू, तभी वो यू नो शी प्लान्स दिस गेम. Well, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा. थैंक यू सो मच. मुबारकबाद हो. आज संगीत, सगाई, सब कुछ साथ साथ बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है. जी, चट मंगनी पट ब्याह होता है. तो वही है, आज मंगनी है और आज ही संगीत भी है, जिसमें डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है. और सो यार, इट्स आई थिंक इट्स क्विकली बिकॉज हमें बहुत जल्दी जल्दी शादी करनी है, क्योंकि बहुत सारा प्यार करना है और बहुत सारे ड्रामा आपको दिखाना है. इसलिए थपकी, फाइनली यू आर हैप्पी, ध्रुव मिल गए, काफ़ी मुश्किल हो गई बाद में, इतनी रुकावटों के बाद ये मेरी ज़िंदगी में आए, और इस रुक रुक के बोलने की कमी की वजह से मुझे बहुत सारे जीवन में दुख उठाने पड़े, मेरे माँ बाप को बहुत दुख उठाने पड़े. मैं बहुत खुश हूँ कि उस कमी के साथ इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और उस कमी को मेरी कमी नहीं समझा, बल्कि स्ट्रेंथ बना के मुझे अपना लिया. क्या कहना चाहेंगे, इन्होंने काफ़ी तारीफ कर दी है. वेल एक्चुअली थपकी इस तारीफ के लायक है, बिकॉज थपकी बहुत ही कल्चर्ड लड़की है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भी है, साथ में उसे वैल्यूज़ जो उसके फैमिली वैल्यूज़, और उसने यार सबसे बड़ी बात, ध्रुव जैसा इंसान जो कि एक पत्थर दिल, वो जो पत्थर था ना, हंसता था ना कुछ, उसने ध्रुव को प्यार करना सिखा दिया, हंसना सिखा दिया, रंगों से प्यार करना सिखा दिया. तो इसलिए ध्रुव तो थपकी को जी जान से प्यार करता है, और इसलिए बहुत ही खुश है कि थपकी उसकी ज़िंदगी में आ गई.